हमेशा बच्चों की तरह ब्रेकफास्ट के लिए लेट होते हैं। सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैगी, तुम अपने मैनर्स भूल रही हो, खाने के पहले प्रे नहीं करोगी? सॉरी मम्मी। मेरा देश आजाद हो चुका है, मगर मेरा घर अभी तक गुलाम है। यहाँ कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, न खा सकता है, न पी सकता है, न रो सकता है, न सो सकता है। यहाँ हर काम मम्मी के हुक्म से होता है। ओह गॉड, हमें इस ग्रेट डिक्टेटर से बचा लो। आमीन। मैगी जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। तू ही हम सबको इस हिटलर से बचा सकता है। आमीन। नाइट गाउन मेरे लिए? ऑफ कोर्स। आर यू ऑल राइट? यू बेट। थैंक यू। पापा, बी ब्रेव। आई एम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गो गो। शादी की पहली रात याद आ गई? आए। इतनी सेवा, जरूर कोई बात है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे हाँ? कुछ नहीं चाहिए। ओ पापा, तुम कुछ बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें क्या चाहिए? पहले ये साड़ी छोड़ो। हाँ? औरत को और सारी को संभालना बहुत मुश्किल काम है। नहीं हंसो मत। नहीं बोली ना। स्टेला एक लड़का है, पृथ्वी, पृथ्वी उसका नाम है। बहुत अच्छा गाता है। गीत, गीत उसकी आत्मा है, संगीत उसके जीवन का कारण है। उसको अपने दिल की धड़कनों में भी संगीत सुनाई देता है। ये लो, देखो तुम्हारे विमेंस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक म्यूजिकल प्रोग्राम होने वाला है, तो बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स उसमें आएंगे ना, तो मैं चाहता हूँ वो लड़का, उस लड़के को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है। यस। तुमने क्या सोचा कि बेडरूम में तुम्हारा काम आसान हो जाएगा? नहीं, बेडरूम में तुम मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ भी मारो तो कौन देखेगा? यू नॉटी। तो मैं बात पक्की समझू? स्टेला, तुम हंसती हो तो कितनी अच्छी लगती है, सच्ची। तुम जैसे बुद्धू आदमी की वजह से मैं उल्लू बन गई। तुम्हें पता है? तुम्हें पता है वो मर्डरर है? उसने अपने बाप का खून किया और सारा बचपन जेल में काट कर आया है। और उसकी माँ एक वैश्या थी। मर्डरर, स्काउंडरल। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो उसका ऐसा हशर करूं कि जिंदगी भर याद रखे। डार्लिंग, पृथ्वी माफी मांगने को है। उस दिन प्रोग्राम में जो हुआ उस पर सॉरी बोलने को है। तुम्हारे जैसे जलील इंसान की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हारे जगह अगर कोई शरीफ इंसान होता तो मेरी इंसल्ट होने से पहले ही मर गया होता। लेकिन इसमें गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे खून की है। जिसके रगों में एक दारूबाज बाप और वैश्या माँ का खून दौड़ रहा हो वो कर भी क्या सकता है, है ना?
क्या देख रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। अगर दोबारा इस घर के दरवाजे के अंदर पैर रखा तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। आज से गेट आउट। आपका हुक्म नहीं तोड़ा मैडम। आपने कहा था दरवाजे पे पैर मत रखना। मैंने नहीं रखा, मैं बालकनी से आया हूं क्योंकि मुझे आपको एक बात बताना बहुत जरूरी था कि मैं और आपकी बेटी में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे बेटा, अगर तुम मुझे सुबह ये सब बता देती तो ना तो ये हंगामा होता और ना मैं इस बेचारे को डांट कर घर से बाहर निकालती। I'm sorry my son, मुझे माफ कर दो। तुम लोग बैठो, मैं पृथ्वी के लिए कॉफी बना के लाती। नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं बेटा, सुबह मैंने तुमको कुछ ऑफर नहीं किया, अब मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी जाने दूंगी। बैठो बैठो। मम्मी थैंक यू सो मच। माय बेबी। बैठो मम्मी। थैंक यू। अरे बैठो बैठो बैठो। हम दोनों एक जैसे हैं, तुम भी इमोशनल हो, मैं भी इमोशनल हूँ। सुबह जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है पृथ्वी, लेकिन एक बात की खुशी है कि तुम मेरी मैगी को सच्चा प्यार करते हो, और प्यार तो गॉड गिफ्ट है ना मैगी? हाँ मम्मी, थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी चाइल्ड। कोई आया है? अरे बैठो बैठो। जो भी आया है उसे मैंने ही बुलाया है, मैंने ही तो नीचे जाके फोन किया था। डैडी को बुलाया है क्या? मगर डैडी तो घर में ही है और उन्हें सब कुछ मालूम है। मुझे भी सब कुछ मालूम है। मैगी, लगता है मम्मी ने तुम्हारे फादर को नहीं चर्च के फादर को बुलाया है हमारी शादी कराने के लिए। नहीं बेटा नहीं, मैंने पुलिस को बुलाया है। आइए इंस्पेक्टर, यही वो गुंडा है जो बालकनी से कमरे में घुसकर मेरी बेटी को रेप करना चाहता था। ये झूठ बोलती है इंस्पेक्टर साहब। मैं बालकनी से जरूर आया था, मगर मैं मैगी से प्यार करता हूँ और मैगी भी मुझसे प्यार करती है, मैं भला इसकी सब कैसे लूट सकता हूँ? शट अप। आधी रात को किसी के घर के अंदर बालकनी के रास्ते आने का जुर्म जानते हो? लेकिन सर मैं मैगी से प्यार करता हूँ। प्यार किसी के घर में घुसने का लाइसेंस नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब, मम्मी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मीठी मीठी बातें करके पृथ्वी को धोखा दिया और अब पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर ले जाइए इसे। ड्राइवर दीजिए मैडम। चुपचाप बैठी रहो। गाड़ी रोको वरना मैं शोर मचा दूंगी। मुंह से एक भी आवाज निकली तो मैं गाड़ी पेड़ से टकरा दूंगा। चुपचाप बैठी रहो। उतरो। मैं नहीं उतरूंगी। तुम क्या समझती हो, तुम मुझे इस तरह से डरा लोगे? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं देखती हूँ कैसे। तो ओह माय गॉड।
भी नहीं है मिसेस पिंटो। तुम चीखोगी भी तो जानवरों के सिवा तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। अब मैं यहां कुछ भी कर सकता हूं, एक एक करके तुम्हारे नाखून निकाल सकता हूं, तुम्हारे तलवों में सुई घुसेड़ सकता हूं, चाकू से तुम्हारी चमड़ी उधेड़ सकता हूं। प्रीति, तुम हद से ज्यादा। तुमने मुझे गाली दी, झूठे इल्जाम में मुझे लॉकअप में बंद करवाया, माफी मांगने आया तो मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, लेकिन मैं इसका बदला नहीं लूंगा क्योंकि तुम मैगी की मां हो। लेकिन तुमने गुरुजी की इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया, मैं उनकी इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं उसका बदला जरूर लूंगा। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। प्रीति बेटे, आराम से टहलती भी चली आना। प्रीति बेटा, ये पर्स मुझे दे दो। बोझ लाद कर चलना मुश्किल होगा। प्रीति सुनो तो, चीखना नहीं, जानवर सुन लेंगे। बाय बाय। ये वही 20 रुपए हैं जो सुबह तुमने मुझे जेब खर्च के लिए दिए थे। अच्छा, मैंने खर्च नहीं किए इसलिए अभी तुम्हारे काम आ गए। आराम से बैठकर पेपर पढ़ रहे हो, ये नहीं होता कि बीवी का हाल पूछ लो। मैंने 20 रुपए क्यों मांगे, ऑटो रिक्शा में क्यों आई, इस सब की तुम्हें कोई फिक्र नहीं? नहीं भाई, मैंने तुम्हारे मामले में कभी टांग अड़ाई है? पता है उस गुंडे ने आज क्या किया? बदमाश मुझे बोरीवली के जंगल में ले गया। तुम्हें? हाँ, और मेरी गाड़ी लेकर भी भाग गया। 3 घंटे चली हूँ तब जाके ऑटो मिली। भाई कमाल लड़का है, कमाल लड़का है। यानी जो बात हम सोचने की हिम्मत नहीं कर सकते थे वो उसने कर दिखाई। और ये है तुम्हारी बेटी के सो-कॉल्ड मोहब्बत का नतीजा। नो स्टेला, नो, ये सब तुम्हारी नफरत का नतीजा है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? मगर तुम उनके दिलों से प्यार को खींच कर निकाल देना चाहते हो। जैसे वो कोई प्यार नहीं हुआ, तुम्हारा पेड़ पौधा हो गया जिसे तुमने पकड़ा और जड़ समेत उखाड़ कर फेंक दिया। कब तक उन्हें मिलने से रोक सकोगी तुम? कब तक मैगी को अपने कमरे में बंद रखोगी तुम? याद रखो स्टेला, प्यार जब बगावत पर उतर आता है ना तो उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। क्या कोई नहीं रोक सकता? मैं रोकूंगी उसे। प्यार, मोहब्बत, लव, ये सब आंसुओं के जरिए तेरे दिल से निकाल दूंगी। यू बदतमीज जी, बस थक गए डालें, बस हो गया। तुमने देखा डालिंग, तुमने इसे इतना मारा लेकिन इसके मुंह से एक लफ्ज और आंख से एक बूंद भी नहीं गिरी। ये ताकत, ये पावर इस कमजोर लड़की में नहीं है, इसके प्रेम में, लव में है। लव इज गॉड, प्रेम सच्चाई है।
इस सच्चाई को आज तक न कोई मार सका है और न कोई मार सकेगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज इनफ इज इनफ। आज के बाद तुमने मेरी बेटी पर कभी हाथ उठाया अच्छा नहीं होगा। माइंड वेल।